नमस्कार आदाब दोस्तों। दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर एक और चुनाव में ममता बनर्जी की बंपर जीत हो गई है। यहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। आपको बता दें कि 2 मार्च आज यानी कि पश्चिम बंगाल के 108 नगर निकाय जो चुनाव हुए थे, जो वोटिंग हुई थी, उन सभी सीटों के रिजल्ट आ रहे हैं, उसके यानी वोटिंग की मतगणना हो रही है। लेकिन मतगणना जैसे जैसे आगे बढ़ रही है दोस्तों, टीएमसी जो है तमाम पार्टियों का सुपड़ा साफ करते जा रही है। किस तरह से चुनाव रिजल्ट आया है आगे हम आपको एक एक करके दिखाएंगे कि कहां पर किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ये खबर दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बात करेंगे खबर की। आप सभी जानते होंगे कि अभी कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के अंदर 108 नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी, जिसकी मतगणना सुबह से ही जारी है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक सत्तारूढ़ टीएमसी ने जो है पश्चिम बंगाल के 108 नगर निकाय चुनाव में 93 सीटें जीत करके तमाम पार्टियों को बैकफुट पर ढकेल दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि शायद बीजेपी ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि शुभेंदु अधिकारी, जो बीजेपी के मौजूदा हालात में पश्चिम बंगाल के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके गढ़ में टीएमसी ने बीजेपी को रौंद डाला है। यानी कि यहां पर भी बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है। कांथी नगर पालिका जो आती है वो दोस्तों शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है, और शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में भी जो है बताया जा रहा है कि 21 टोटल सीटें हैं, जिसमें से 18 सीटें सिर्फ टीएमसी ने जीत ली हैं, और बची खुची 1-2 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में गई हैं। और 30 साल का रिकॉर्ड ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने यहां पर दोस्तों तोड़ दी है। बताया जा रहा है कि इस चुनाव जीतने के बाद टीएमसी के कार्यकर्ता लगातार जश्न मना रहे हैं, वहीं बीजेपी ने इस चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कोर्ट जाने तक की बात कही है। अब देखना यह होगा कि आगे इस पर क्या होगा। फिलहाल दोस्तों यही आंकड़ा आ रहा है, 108 नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट में टीएमसी ने अब तक काउंटिंग में 93 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। 77% यहां पर वोट पड़े थे, और बताया जा रहा है कि बीजेपी के साथ साथ तमाम पार्टी जो है यहां पर बैकफुट पर चली गई हैं। आप इस रिजल्ट के बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।